यार अंबेडकर जी की जयंती मनाने, तो सभी को मेरी तरफ से आज इस 133वीं जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और अभिनंदन है सभी का। जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है तो सबसे पहले शिक्षा हमारे सामने नजर आती है, क्योंकि शिक्षा, हमने सुना होगा कि शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और उस शिक्षा को पा करके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में कार्य किए हैं और जितना वो सफल हुए हैं वो केवल और केवल शिक्षा की बदौलत हुआ है, क्योंकि उनका जन्म जहाँ पर हुआ, जैसी परिस्थिति उन्होंने झेली, उससे कई गुना अच्छी परिस्थिति आज हमारे लिए है, और उस परिस्थिति का कारण अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जाए तो वो केवल और केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, जिनकी जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और मनानी चाहिए बहुत हर्षोल्लास के साथ, पूरे देश के अंदर ये जयंती मनाई जाती है। तो शिक्षा के रूप में, शिक्षा में उन्होंने जितनी उपाधियाँ प्राप्त की हैं उससे कोई अछूता नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिनका नाम ही काफ़ी है, जहाँ इनका नाम लिया जाता है वहाँ शिक्षा में इन्होंने जितनी उपाधियाँ प्राप्त की है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टरेट इन साइंस की है, और इतनी ज़्यादा उपाधियाँ प्राप्त की है जो शायद अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं की है, और शिक्षा को प्राप्त करके इन्होंने समाज में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाया है, पूरा देश इनको जानता है, पूरा विश्व इनको जानता है। तो ऐसी शिक्षा की प्राप्ति सभी को करनी चाहिए, सभी को दिशा में प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा का मतलब केवल जॉब तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हम उस शिक्षा से हमारे समाज में, हमारे देश को क्या योगदान दे सकते हैं, वो भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर शिक्षा का मतलब ही होता है अन्य सभी का उद्धार करना, तो अगर शिक्षा हमारे साथ साथ, हमारे परिवार के साथ साथ, हमारे देशवासियों के लिए अगर काम आती है, तो सच्चे मायने में वही पूरी व्यक्ति है, ऐसा कार्य किया है महान व्यक्ति ने। जयंती का मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे छोटे भाई है और आज शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है उसकी दीदी जाति मिसाल भी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। कुछ संस्मरण है बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, और वर्तमान समाज में ऐसा ना हो इसका भी आपसे आग्रह करना चाहूँगा। बाबा साहब मेधावी थे और अंग्रेजी शासन जब यहाँ पर था तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने तक की भी इजाज़त नहीं थी। ये जब आप, मैं चाहता हूँ कि सभी एक बार इतिहास और राजनीति विज्ञान को भी पढ़े, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आपको एक बार राजनीति विज्ञान और इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, और उसमें पढ़ने लायक कुछ चीज़ें हैं जिनमें मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो महाराणा प्रताप है। और उन्हीं के पैरल जब आधुनिक समाज की बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश जो रूलिंग थी उन्होंने बैन की थी, तो सबसे बड़ी जो डिग्री मानी जाती थी वो बैरिस्टर की मानी जाती थी, मतलब लंदन में जाकर पढ़ाई करके आना और वकील बनना। तो बाबा साहब जब लंदन गए और वकालत पूरी करके वापस भारत आए तो कलकत्ता में इनके पिताजी जॉब किया करते थे, तो उसके लिए उन्हें कलकत्ता रेलवे स्टेशन से उतर कर वहाँ पर जाना था, तो मोटरगाड़ियाँ हुआ नहीं करती थी, तो इन्होंने एक बैलगाड़ियाँ चला करती थी, आज भी कलकत्ता में बैलगाड़ियाँ चला करती हैं, तो बैलगाड़ी हायर की और उस पर बैठ गए। उस बैलगाड़ी वाले ने जीवन का बड़ा सबक दिया कि वो बैलगाड़ी वाला उनके साथ बैठकर उस बैलगाड़ी को नहीं चला। तो बाबा साहब निर्मल हृदय थे, उन्होंने आग्रह किया कि आप भी साथ बैठे हैं, आप पैदल पैदल क्यों चल रहे हैं, आप मेरे साथ बैठे और साथ में हम इस गाड़ी में चल सकते हैं। तो इस पर उस बैलगाड़ी वाले ने, जो अपेक्षाकृत पद में उनसे बहुत छोटा है, वो किसी भी अन्य व्यवस्था के अनुसार ऊंचा हो सकता है लेकिन पद के अनुसार वो उनसे बहुत छोटा है, तब भी उस व्यक्ति ने ये इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ तो नहीं। तो इस तरीके का भेदभाव जो था हमारे समाज में प्रचलित था, तो जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने इसीलिए समानता का अधिकार जो है वो सबसे ऊपर रखा है। आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समानता का अधिकार सबसे पहले है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर समानता का अधिकार सबसे पहले दिया गया। तो हम सब समानता के इस वातावरण को निरंतर जारी रखेंगे, और मेरी आज आपसे ये अपील है कि ये समानता बनाए रखने के लिए हो सके तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके नाम के पीछे जाति का उल्लेख करना बंद। अब से जो हमारी संतानें नहीं होंगी, जब उनके स्कूल में प्रवेश होंगे तो उनके पीछे जाति का नाम नहीं, ये हम प्रयास। एक और संस्मरण मैं चाहूँगा, पर पहले कुछ मनोरंजन हो जाए। तो अब हमारी माताएं बहनें काफ़ी संख्या में जुड़ चुकी हैं, अब इनका म्यूजिकल तैयार कराएंगे। उससे पहले हमारे बीच श्रीमती नीलम जी हैं, वो भी बाबा साहब के बारे में कुछ विचार साझा करना चाहती हैं, तो मैं उन पर आमंत्रित करना चाहूँगा। जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए श्रीमती नीलम।